अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटू मियाँ के हेयर कट की स्टोरी। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मैंने इसके बाल इतने लंबे क्यों रखे हुए थे। दरअसल हेयर कट करवाना मुझे सब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है और मेरे तीनों बच्चों ने मुझे हेयर कट को लेकर बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया है। तो छोटू मियाँ को हम थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे थे कि ये थोड़े बड़े हो जाएं और फिर हम इनका हेयर कट करवाएं सलून से प्रॉपर जाकर, क्योंकि वबा की वजह से ज़ाहिर है सब प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे थे। और दूसरा हमें ये भी डर था कि इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाना है। तो वही हुआ जिसका हमें डर था। और अब आगे की स्टोरी एंजॉय कीजिए। हेयर कट को लेकर जनाब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत मज़े से जाकर ये चेयर पे बैठ गए और इन्होंने रैप भी बनवा लिया और बिल्कुल तैयार थे कि इनको एक अच्छा सा प्यारा सा हेयर कट दिया जाए। मगर जैसे ही सीजर्स निकले तो जनाब ने जो रोना डाला है, इनको हैंडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इनके टैंट्रम्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और इसी बात का हमें बहुत ज़्यादा खौफ था क्योंकि हमारे साथ ये पहले भी होता रहा है दोनों बच्चों की दफ़ा, और तीसरे ने भी वही रवायत कायम रखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा घंटा स्ट्रगल करने के बाद जनाब का हेयर कट मुकम्मल हो गया। तो आपने भी मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि क्या आपके बच्चे भी हेयर कट को लेकर इसी तरह टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और आप तो क्या हल निकालते हैं। मैंने तो यही हल निकाला था कि तकरीबन एक साल से जनाब को हम सलून लेकर ही नहीं गए थे। इनको जितने भी दफ़ा इनका हेयर ट्रिम हुए वो मैंने ही किए थे घर पर, और सो एक तरह से वो यूज्ड टू ही था कि सीजर्स बालों को लगती है और कोई आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता, मगर शायद वो एक स्ट्रेंजर का फेयर था या क्या था। थ्रू आउट जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रहे और काफ़ी मुश्किल से हमने इन्हें हैंडल किया। वो से दैट अंकल थैंक यू, ही कट योर हेयर, ही सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम। यूँ पूरी हुई हमारी हेयर कट की स्टोरी। आपने अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये शेयरिंग कैसी लगी। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने आपके लिए कैप्चर की। दरअसल जैसे ही हम सलून से बाहर आए तो हमारी नज़र पड़ी एक बहुत ही बड़ी सी क्रेन पर, जिसे अनअसेंबल किया जा रहा था एक और बड़ी सी क्रेन की मदद से। तो काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो था ये। तो आई होप आपको आज की शेयरिंग पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।